आज से पंजाब रोडवेज पनबस व पीआरटीसी की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विश्व महिला दिवस के मौके पर यह घोषणा की थी, जिस पर आज से अमल होना शुरू हो गया। सिटी हलचल की टीम ने नंगल नगर कौंसिल की महिला पार्षदों से इस बारे में बात की तो उनकी खुशी कैसे सिटी हलचल की टीम से बात करते हुए झलकी आप खुद ही देखें। तो पहले सुने वार्ड नंबर 1 से पार्षद चुनी गई सरोज ने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा। की कहना चाहते हो मैडम, जरा एक पंजाब सरकार ने एक महिलाओं को बसों से फ्री सेवा दी है बस सफर वास्ते, की कहना चाहोगे? ये बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है पंजाब सरकार ने, कैप्टन साहब ने, क्योंकि लेडीज ने फ्री बस सेवा कीती है। इदा लेडीज लई बहुत खुशी का माहौल है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह का। इस मौके पर वार्ड नंबर 7 से पार्षद चुनी गई सोनिया सैनी को भी सुने। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का महिलाओं को फ्री बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर कैसे आभार व्यक्त किया, आप ही देखें। पहला तो मैं सिटी हलचल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि लोगों के बीच साड़ी जो भी अच्छे काम पंजाब सरकार कर रही है उन्हों का मैसेज कन्वे पब्लिक दे विच करते हैं। आम भैन भरावों भी पता चलता है, जिहड़े लोगों नहीं यह पता चल सकता कि की कर रही है सरकार, वो थोड़े रस्ते सारा कुछ पता लगता है। बाकी मैं कैप्टन सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने बीबिया भैनों एक बहुत ही वधिया तोहफा दिता है कि वह पंजाब दे विच जिथे भी सफ़र करनगियां उन्हों का कोई भी किराया नहीं लगेगा, चाहे वह बच्चिया ने, चाहे वह बीबिया ने, चाहे वह भैन ने, चाहे वह बुजुर्ग औरतों ने, यह पंजाब दे विच ही फ्री किया है। जे पंजाब तो बाहर जाएंगे तो उन्होंने किराया देना पड़ेगा। ये पंजाब सरकार की ही देन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही देन है कि उन्होंने पंजाब दे विच औरतों लई किराए फ्री किए हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल पंजाब दी महिलाओं लई है। पंजाब चो बाकी साइड बाकी राज्य ने करूंगी उन्हां वास्ते तो नहीं ना? नहीं, ये उन्हां वास्ते नहीं जी, ये पंजाब सरकार ने कीता है, कैप्टन सरकार ने कीता है, पंजाब लई ही कीता। हो सकता है कैप्टन सरकार दी देण नूं देख के बाकी सरकारां भी कर देण, बाकी स्टेट्स भी कर देण, होना भी चाहिए है। क्योंकि कई बार इस तरह होंदा है आप किसी बेचारी मेरी बीबी भैन ने दवाई लैन जाना, 100 रुपया वो पल्ले है, 100 रुपए की दवाई आनी है, किराया लाने को पैसा नहीं, वो बेचारी दवाई तो बंद ही रह जाती है। तो बहुत वधिया उपराला हैगा बच्चियां लई कॉलेज स्कूल जाना जिहड़ा वो फ्री हो जाएगा क्योंकि उन्होंने किराए नहीं देने पैणगे। बहुत वधिया उपराला कैप्टन साहब की, बहुत बहुत थैंक्स कर दी हैं मैं उन्होंने, शुक्रगुजार हाँ कि वह औरतों लई और बच्चियों लई उन्होंने एडा वधिया सोच रख के उन्होंने वास्ते ये काम किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 9 से महिला पार्षद इंदू बाला ने भी महिलाओं को पंजाब रोडवेज की बसों में फ्री सफर करने की सुविधा देने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भरपूर लाभ होगा। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते हुए पार्षद इंदू बाला ने। जी, पहला तो सिटी हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिलाओं को जिहड़ा कैप्टन सरकार ने तोहफा दिता उहदे लई कैप्टन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये तोहफा इंटरनेशनल वूमेन डे ते दिता सी ते अज ये लागू किया है। तो बसों के औरतों फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब दे विच जा सकदियां ने। तो ये मैं महिलाओं को बधाई दें, तो कैप्टन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। इतने एक दसन की जरूरत है कि औरतों अपना कोई ना कोई आइडेंटी प्रूफ जो पंजाब वासी है तो कोई ना कोई जरूर नाल लेके जान। तो कैप्टन सरकार की बहुत वधिया सोच है औरतों लैके, सानू राजनीति में भी उन्होंने 50% सीटा राखवियां रखिया सी। तो औरतों अज ये महिलाओं जिहड़ा तोहफा दिता है इन्हों औरतों के प्रति उन्हों की सोच दे लई बहुत बहुत असी धन्यवाद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंदू जी। लगता कि जो विधानसभा चुनाव आने वाले उस फर्क होगा सरकार? बिल्कुल जी, महिलाओं नू लैके कैप्टन सरकार की जो सोच है उहदे विच महिलाओं जरूर देखणगियां कि जो सरकार साडे लई वधिया उपराले कर रही है तो उस सरकार नू रिपीट करन दे विच महिलाओं जरूर अपना वोट जिहड़ा हैगा वह कैप्टन सरकार नू देणगे। इस मौके पर वार्ड नंबर 5 से महिला पार्षद मनजीत कौर ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री का महिलाओं को बस यात्रा फ्री देने की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाने को लेकर क्या कहा, जे भी सुने। बिल्कुल जी, पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा ते तुहाडे चैनल का जिन्होंने मैनू ये मैसेज जिहड़ा है कन्वे करन दा, यानी गुड मैसेज जिहड़ा है कन्वे करन दा मौका दिता। तो ये बहुत ही वधिया कैप्टन सरकार का उपराला है क्योंकि बहुत जरूरी नहीं है कि सारे को गड्डियां कारा होण, बहुत ही साडे परिवार इदां दे है जिहड़े जिन्हां नू किते दवाई लैण जाणा जां किते चंडीगढ़ तक जाना जां रोपड़ तक जाना भी औखा हो जाता है। तो ये बहुत ही वधिया उपराला है
कैप्टन सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हाँ राणा जी का कैप्टन सरकार का जिन्होंने ये मौका दिता है लेडीज़ वास्ते तो बच्चियों वास्ते जोड़े बच्चिया स्कूल कॉलेज जाने दूर पार गरीब परिवार चों भी बहुत बच्चे जाते हैं जिन्होंने मतलब किराया देने की भी प्रॉब्लम होंगी है तो यह बहुत ही वड्डा उपराला है। बहुत बहुत थैंकफुल हाँ असी कैप्टन सरकार दे जिन्होंने ये मौका दिता क्योंकि अज तक कदे भी यह किसी की सोच विच भी नहीं आया ये गल कि असी लेडीज़ वास्ते बच्चियों वास्ते असी ये उपराला करिए बहुत ही वधिया सराहना योग एक कदम है। सिटी हलचल के लिए नंगल से अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहां से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4500 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी और 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहां आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94634-95-76-85-560-88-974। सारे नगर निवासी रास बेनती करते हैं कि सानू एक बारी सेवा का मौका दो और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी।